Good afternoon, everyone. So today's topic is based on again a JavaScript object, that is a Boolean and number object. What are these objects? We can know, we can understand that what is Boolean object. Boolean is a object that is used for a true false purpose, and a number is a numbering object that is used for entering a numbers like 0 to 9. Any combination of these we can use it for number object also. So the object wrapper for Boolean is that is true and false value, and number for number is only a number. So let's explain in detail. And Boolean and number objects. कहता Boolean and number and objects कौन-कौन से हमारे पास? There are only two or Boolean and number objects. First one is a two string and second one is a value. Two string क्या है कि हम इसको एक example को use करेंगे with the help of example. You can build this example. We can also use this in previous lectures also. टू स्ट्रिंग रिटर्न क्या कहता है? रिटर्न द स्ट्रिंग दैट इज ट्रू इफ द वैल्यू ऑफ द बुलियन ऑब्जेक्ट इज ट्रू, अदरवाइज रिटर्न द स्ट्रिंग इज फॉल्स. मीन्स अगर हमारे पास वैल्यू स्ट्रिंग की ट्रू तब होगी जब अगर वो सारी की सारी ट्रू वैल्यू में है. रिटर्न द स्ट्रिंग ट्रू इफ द वैल्यू ऑफ द बुलियन ऑब्जेक्ट इज ट्रू, अदरवाइज रिटर्न द स्ट्रिंग वैल्यू फॉल्स. हमारे पास दो ही वैल्यू प्रिडिक्ट करेगा. और वैल्यू ऑफ क्या है? रिटर्न द वैल्यू ट्रू इफ द बुलियन ऑब्जेक्ट इज ट्रू, अदरवाइज रिटर्न द फॉल्स. अगेन ऑन द डिपेंड अपॉन वैल्यू. और इन दो ऑब्जेक्ट को हम यूज करके ऑन द बेस ऑफ वैल्यू हम इनको निकाल सकते हैं, दैट इज बूलियन ऑब्जेक्ट मेथड्स आते हैं. अगर हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है कि टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है या नहीं करना, अगर कर सकता है तो वो कर देगा, अदरवाइज वो आपको ट्रू करके दे देगा कि यस इट विल कन्वर्ट इनटू अ स्ट्रिंग फॉर्मेशन, अदरवाइज उसको वो कन्वर्ट नहीं करेगा. वैल्यू ऑफ में यही है कि वैल्यू ऑफ किसी वैल्यू की अगर हमने यूनिकोड की निकालने की, इसकी यूनिकोड की वैल्यू क्या है, अगर वो जनरेट कर सकता है ठीक है, अगर वो यूनिकोड गलत है तो आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा. बिकॉज दीज आर एग्जीक्यूटेड येस और नो पर्पज. अगर वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं तो येस रिटर्न कर देंगे, आपको कन्वर्ट कर देंगे, अदरवाइज वो नो में रिटर्न कर देंगे. ऐसे वैल्यू ऑफ है सेम कि अगर आपके पास वैल्यू में आपने कन्वर्ट करना है किसी यूनिकोड से नंबर में तो कर रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं करेंगे. एंड बुलियन नंबर और भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लाइक यू कैन सी दिस एग्जाम्पल. टू स्ट्रिंग रेडिक्स. रेडिक्स क्या है? हम यूजर डिफाइंड वैल्यूज डाल रहे हैं. लाइक एग्जाम्पल, रिटर्न द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर द ऑप्शनल रेडिक्स आर्गुमेंट. इसमें क्या डिफाइन करता है? ए नंबर फ्रॉम 2 to 36. यहाँ पर 2 to 36 तक हम रेडिक्स नंबर का आर्गुमेंट पास करेंगे. वो क्या का स्पेसिफाई करेगा? नंबर है बेस. एक्चुअल में वो क्या डिफाइन कर रहा है? नंबर का बेस. नंबर का बेस क्या होता है? लाइक बुलियन के लिए, बाइनरी के लिए हम 2 बेस रखते हैं, ऑक्टल के लिए हम 3 बेस रखते हैं. ऐसे हमारे जिसे हम 8 भी कह देते हैं, ऑक्टल इज फॉर 8 बिट. हेक्साडेसिमल के लिए हम 16 बिट रखते हैं, डेसिमल के लिए हम 10 बेस रखते हैं. ऑन द बेसिस दिस बेस हम स्पेसिफाई कर सकते हैं क्या बेस है. एंड फॉर एग्जांपल हमने रेडिक्स लिख दिया, रेडिक्स 2 रिजल्ट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, 8 रिजल्ट इन द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन एंड 10 रिजल्ट फॉर हेक्साडेसिमल नंबर. वही सेम हमने डिफाइन किया है, 16 फॉर हेक्साडेसिमल. सी इसको हम एक एग्जांपल से करेंगे. नंबर सिस्टम फॉर रिव्यू बाइनरी कैसे चलते हैं ये तो हमने ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है. दिस इज ऑल अबाउट ये कैसे कैसे नंबर सिस्टम हमारे पास वर्क करते हैं. सो नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ. अब वैल्यू ऑफ क्या है? वैल्यू सिंपल रिटर्न अ न्यूमेरिक वैल्यू. अगर मैं किसी कोई वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पर कोई नंबर लिखता हूँ, तो उसकी वो न्यूमेरिक वैल्यू हमें जनरेट करके देगा. कोई भी हम इसके अंदर वैल्यू दे दो. एंड द नंबर डॉट मैक्स वैल्यू. ये क्या है? एक हमारे पास एक बुलियन ऑब्जेक्ट है जो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट द लार्ज वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम. हम हमारे यहाँ पर कितनी वैल्यू तक वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकता है, ये हमें ये रिटर्न करके देगा. 1.79E308 एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू, हायर वैल्यू हमें रिटर्न करके दे देगा. और मिनिमम वैल्यू के लिए हमें रिटर्न करेगा कि मिनिमम वैल्यू क्या जावास्क्रिप्ट इसके अंदर हैंडल कर सकते, 2.2E up to 308, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है. एंड ये क्या है? नंबर डॉट नैन. नैन क्या है? यहाँ पर द प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट नॉट अ नंबर, कि जो वैल्यूज हमारे पास नंबर नहीं है उसके लिए रिप्रेजेंट करना. लाइक अ वैल्यू रिटर्न फ्रॉम एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दैट डज नॉट रिजल्ट इन अ नंबर. एग्जांपल हमने एक्सप्रेशन दे दिया पार्स इंट हेलो. अब हेलो क्या है? कैन नॉट कन्वर्ट इन स्ट्रिंग. हेलो इंटू अ नंबर को अगर हम किसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है. सो पार्स इंट वुड रिटर्न अ नंबर डॉट नैन. कहता अगर हम कन्वर्ट क्या करें कि हम इस हेलो को किसमें कन्वर्ट करें, नंबर में. पार्स इंट क्या करता है? कन्वर्ट करता है इंटीजर में. बट हेलो तो एक स्ट्रिंग है, इसको हम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है. तो हमें रिटर्न क्या आएगा? हमें ये वैल्यू रिटर्न होगी, नंबर डॉट नैन रिटर्न आएगा. तो क्या आएगा कि हम जो है नॉट अ नंबर, कि जो हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू पार्स इंट वो क्या एक नंबर नहीं है, इसलिए हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते. अगर यहाँ पर बाय चांस हमारे पास 4.4 होता है या 5.5 होता है तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू को हटा के ओनली 4 रिटर्न करता है या 5 रिटर्न करता है. ये सिंपल बात है यहाँ पर.
And to determine whether a value is NaN, test the result with function is NaN which return true or false or NaN otherwise false. मतलब अब यहाँ पर कहता है NaN चेक करने के लिए जावा में क्या लगा हुआ है, जावा का एक ऑब्जेक्ट है दैट इज NaN, ऑब्जेक्ट कॉल होता है इज NaN, ये चेक करता है कि ये नंबर नॉट अ नंबर है तो नहीं, अगर ये है तो ये ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, उसके बेसिस पे हम देखते हैं। ऐसे हमारे पास नंबर और नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए है, कहता अगर द नंबर रिप्रेजेंट अ वैल्यू लेस देन माइनस नंबर डॉट मैक्सिमम वैल्यू, कहता मैक्सिमम वैल्यू से हमारे पास वैल्यू ज्यादा आ रही है लेस उससे कम आ रही है तो ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी का रिटर्न करेगा, अगर हमारे पास नंबर रिप्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन दिस मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर आ रही है तो वो मेरे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी बताएगा, कहता कि अगर वैल्यू कम है तो यानी कि वो इन्फिनिटी वैल्यू नहीं है, हमारे पास कुछ रेंज तक वैल्यू है वो है नेगेटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब होगी पॉजिटिव, कि जब हमारी रेंज से बाहर चलेगी तो हमारे लिए वो इन्फिनिटी है कि हमें पता नहीं वो कब स्टॉप होगी, सो दिस इज अ इन्फिनिटी वैल्यू, ये इन दो बेसिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम रिटर्न करेंगे। सो नेक्स्ट इज अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, सो दिस इज क्लियर अबाउट गाइस, यू आर क्लियर अबाउट दिस ना, बुलियन या नंबर ऑब्जेक्ट, बुलियन क्या है ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पे चेक करना, नंबर पे करना ट्रू स्ट्रिंग एंड वैल्यू ऑफ, दो हमारे पास ऑप्शन है ऑब्जेक्ट है, ट्रू स्ट्रिंग क्या है कोई भी नंबर दो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा या नंबर में कन्वर्ट कर देगा, आप उसका बेस बताओ वो उसका बेस के अकॉर्डिंग काम करेगा, वैल्यू भी वही काम कर रहा है न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मैक्स वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमें मिनिमम मैक्सिमम रेंज बता रहा है, जावास्क्रिप्ट कहां तक वैल्यू को सपोर्ट कर सकता है, एनएन बता रहा है कि अगर हम कोई गलत ऑपरेशन लगा रहे हैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तब ये एरर देगा, अगर हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या है कि अगर हम मैक्सिमम रेंज से बाहर जाते हैं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगी, अगर मैक्सिमम रेंज से कम जाते हैं तो नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगी, उसके बेसिस पे हमें चेक करना कि नंबर हम किस इन्फिनिटी बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अबाउट अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या है कि दीज आर अगेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहे हैं मैनिपुलेट अ डॉक्यूमेंट दैट इज करंटली विजिबल इन द ब्राउजर विंडो, जो हमारे पास ब्राउजर विंडो पे अभी डिस्प्ले हो रहे हैं उनके यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, अब ब्राउजर विंडो के ऊपर हमने जो भी यूज करना है विंडो के ऊपर जो भी डिस्प्ले कर रहा है उनको मैनिपुलेट करना क्योंकि वो करंटली विजिबल होना ना हो उनको कुछ उसके ऊपर एडिटिंग करनी उसके लिए हम ये यूज करते हैं, हमारे इनके लिए हम ये ऑलरेडी यूज कर रहे हैं फिर भी हम इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पर फोर टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट वन इज राइट, राइट क्या करता है राइट अ स्ट्रिंग टू एक्सएचटीएमएल डॉक्यूमेंट एज एक्सएचटीएमएल कोड, मतलब हम जहां पर कुछ भी स्ट्रिंग लिखते हैं वो आपके किस कोड में चले जाती है एक एचटीएमएल कोड में फॉर्मेशन में चली जाती है कुछ भी स्ट्रिंग लिखी तो, और राइट लाइन क्या करता है राइट द स्ट्रिंग एक्सएचटीएमएल डॉक्यूमेंट एज एक्सएचटीएमएल कोड एंड एड अ न्यू लाइन करेक्टर एट द एंड, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है लास्ट में एक न्यू लाइन करेक्टर बनाता है, यानी कि अगर हम दो बार राइट लाइन यूज करेंगे तो एक बार एक लाइन में आएगा दूसरा बार दूसरी लाइन में आएगा, यानी ऑटोमेटिकली वो शिफ्टेड कर जाएगा सेकंड लाइन में, बट यहां पर ऐसे नहीं हो रहा है ये क्या कर रहा है कंटिन्यूस में एक स्ट्रिंग एड कर ही आ रहा है, और डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज ये क्या है दिस प्रॉपर्टी स्ट्रिंग कंटेन द वैल्यू ऑफ ऑल द कुकीज स्टोर इन द यूजर कंप्यूटर फॉर द करंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, और ये हम इसको आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे भी कैसे यूजिंग करनी है कुकीज के ऊपर हमारा टॉपिक है डिटेल में, बट आज हम इसको ब्रीफ में पढ़ ले कि ये कुकीज ऑब्जेक्ट क्या करता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ये जितनी भी हम कुकीज जनरेट कर रहे हैं वो इसमें सेव हो रही है, और डॉक्यूमेंट डॉट लास्ट मॉडिफाइड दिस प्रॉपर्टी इज द डेट एंड टाइम दैट इज डॉक्यूमेंट वाज लास्ट मॉडिफाइड, ये हमें डेट एंड टाइम बताएगा कि ये वाला डॉक्यूमेंट लास्ट हमने कब मॉडिफाई किया था उसके बेसिस पे चेक करना, तो दिस इज ऑल अबाउट अ सिंपल टर्मिनोलॉजी यूज और सिंपल ऑब्जेक्ट दैट इज यूज फॉर बुलियन नंबर ऑब्जेक्ट एंड अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, so these are simple object in next lecture or next video tutorial we will use these object in our windows object and with the help of example I can explain you everything so hope so you guys ye kya karna aapne in sabhi jitne mein pad rahe hain sath sath mein inki ppts ko follow karke aapne apni practical file bhi build karte ho sath sath mein inko use karo through notepad and iska write up bana ke apni practical file mein banate jao sath sath theek hai if you have any doubt any query you can whatsapp me also on my whatsapp number thank you guys have a nice day